गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद राय सुरनकार। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पैरामीटर। जैसा आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किससे बनता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स से बनाते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ये सारे के सारे जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हीं को अब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगने वाले विभिन्न अवयव है, एलिमेंट्स हैं। तो इनको सबसे पहले हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, इसको विभिन्न प्रकार से इनका क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इनको हम एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम इनको यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। और फोर्थ वन है इनको लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के की तरह भी हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक एक को अब हम जो है क्लासिफिकेशन के एक एक मेथड को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। देखिए, एक्टिव एलिमेंट्स जो कि नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करते हैं और कभी कभी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा एनर्जी सोर्स होता है, जिनके अंदर एनर्जी सोर्स होता है वो एलिमेंट्स जो है एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो है नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, ये हमेशा जो है नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये जो है एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम इस कैटेगरी में लेते हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स इत्यादि जो है ये एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वो एलिमेंट जो एनर्जी को आइदर कंज्यूम करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे रजिस्टर होता है। जब रजिस्टर क्या करता है, जब इसको हम सप्लाई सोर्स के अक्रॉस जोड़ते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है। परिपथ में जब करंट फ्लो होता है तो रजिस्टर जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार क्या करता है, करंट फ्लो का विरोध करता है। तो इस करंट फ्लो के विरोध में जो है एनर्जी का कन जो है परिवर्तित हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। तो ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके क्या करते हैं, हीट एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो रेजिस्टर है ये जो क्या है, ये कंज्यूम करता है, तो ये जो है पैसिव एलिमेंट कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे इंडक्टर है या कैपेसिटर है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है स्टोर करते हैं। इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। इसी प्रकार से जो है कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर कर देता है, चार्ज के रूप में स्टोर करता है। हैं, तो ये जो है एलिमेंट जो है इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये भी पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। वो एलिमेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या स्टोर करते हैं वो पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रतिरोध आर, इंडक्टर और कैपेसिटर सी। इसके साथ ही साथ जैसे पीएन डायोड, वो भी आप क्या करता है, पीएन डायोड आपने पढ़ा है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, तो वो पीएन डायोड भी जो है आपका पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है।
इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू हम एनर्जी के इन सभी अवयवों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, सक्रिय एलिमेंट कहलाते हैं, और दूसरा हो गया पैसिव एलिमेंट जो कि निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लीनियर तथा नॉन लीनियर एलिमेंट्स में। लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट कैसे क्लासिफाई करेंगे? वो एलिमेंट्स जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जिनकी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट रहती है, जो वी या आई के बदलने के साथ साथ उनकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, हमेशा नियत बनी रहती है। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं अगर हम, तो इनकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। इस प्रकार के अवयव को हम कहते हैं लीनियर या रेखीय अवयव कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उनको आप रेखीय अवयव। इस कैटेगरी में कौन कौन से अवयव आते हैं? प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है, ये तीनों अवयव जो है लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, और धारा में या वोल्टेज में परिवर्तन करने से इनकी वैल्यूज में परिवर्तन नहीं होता, ये लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। इनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है। अब आते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। एलिमेंट जो जिनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं होती है, उन अवयवों को हम नॉन लीनियर या अरेखीय अवयव कहते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? डायोड और ट्रांजिस्टर्स। इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये लीनियर नहीं आती, एक रेखा में नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो अवयव है इनको हम बोलते हैं अरेखीय या नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेकंड कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशंस की लीनियर और तथा नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी में, थर्ड तरीके से जिससे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं वो आता है यूनिलैटरल तथा बाइलैटरल एलिमेंट। जो अवयव जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स धारा में धारा की दिशा परिवर्तन करने से परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स करंट की डायरेक्शन चेंज करने के से कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के अवयव को हम जो है बाइलेटरल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जिनकी परिवर्तित हो जाती है, सेम नहीं रहती है, उनको हम यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। जैसे इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे वही अवयव क्लासिफाई करें। डायोड और ट्रांजिस्टर को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे इनमें धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे डायोड है, अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखते हैं तो धारा फ्लो होती है, लेकिन अगर जैसे हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो धारा में फ्लो जो है होता ही नहीं है। जैसे आपने पोलैरिटी चेंज की, इसमें धारा में जो है फ्लो होता ही नहीं धारा का, इट मीन्स इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मिलेगी नहीं। पोलैरिटी जैसे इसके अक्रॉस चेंज करेंगे वोल्टेज सोर्स से, तो इसमें धारा नहीं आएगी, जबकि फॉरवर्ड बायस में धारा फ्लो होती है। तो इट मीन्स जैसे आपने धारा की दिशा या वोल्टेज सोर्स की जो है पोलैरिटी चेंज करते हैं, इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, समान नहीं रहती है। इस प्रकार के एलिमेंट को यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। और जिनकी समान रहती है, धारा में परिवर्तन करेंगे या वोल्टेज की पोलैरिटी में परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए आपने पहले वोल्टेज पोलैरिटी जैसी रखी है उसके कारण से आपने धारा की दिशा देख ली, अब आपने पोलैरिटी चेंज की तो धारा की दिशा भी नेगेटिव हो जाती है और सेम अमाउंट में रहती है, इस प्रकार के अवयवों को हम बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। इस प्रकार के अवयव कौन कौन से हो गए?
अगेन आर एल और सी प्रतिरोध, इंडक्टर तथा कैपेसिटर। जो ये एलिमेंट है ये बाइलेटरल एलिमेंट है और डायोड और ट्रांजिस्टर जो है यूनिलेटरल एलिमेंट। अब आते हैं हम चौथे प्रकार के वर्गीकरण के लिए। चौथी कैटेगरी है अपने पास इनको क्लासिफाइड करने की, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। देखिए लम्प्ड मीन्स कंसंट्रेटेड, एक जगह एक साथ, जिनको हम फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रजिस्टर की बात करूंगा तो आपको रेजिस्टेंस वायर की वायर देते हैं तो उनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं कि ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है। तो जो एलिमेंट जिनको हम फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं लम्प्ड एलिमेंट। इस कैटेगरी में कौन कौन से होंगे? प्रतिरोध, प्रेरकत्व, कैपेसिटर, प्रेरण कुंडली, है ना? प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली और कैपेसिटर, ये जो है इनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। इनकी जो पूरी वैल्यूज़ है वो कंसंट्रेटेड एक 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 अवयव के रूप में रहती है। जो अवयव जिनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, वो अवयव जैसे ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन का जो रजिस्टर रजिस्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है या इंडक्टेंस होता है, वो पूरी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरी लाइन के अलोंग अलोंग रहता है, ठीक है ना? इस प्रकार के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है? तो ट्रांसमिशन लाइन में जब ट्रांसमिशन लाइन के आर एल और सी की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड अवयव कहलाएंगे, जबकि सिंपल आर एल सी जो अगर अपने पास एक रजिस्टर है तो वो लम्प्ड एलिमेंट कहलाता है, एक कैपेसिटर वो लम्प्ड एलिमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अवयव हैं उनको हमने 4 कैटेगरी के अनुसार क्लासिफाइड किया, एक्टिव तथा पैसिव एलिमेंट, सक्रिय तथा निष्क्रिय अवयव, दूसरा किया हमने लीनियर तथा नॉन लीनियर मीन्स रेखीय तथा अरेखीय अवयव, तीसरा किया हमने यूनिलेटरल तथा बाइलेटरल मीन्स एक दिशीय, यूनिलेटरल मीन्स एक दिशीय और बाइलेटरल मीन्स द्विदिशीय दोनों दिशाओं के अवयव, और लास्ट कैटेगरी की हमने लम्प्ड तथा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है? यहाँ तक। अब आइए हमें कोई एलिमेंट या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, तो अब हम उसकी जो है उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, इस प्रकार से हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए मैं आपको उसे एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए आपको नेचर ऑफ नेटवर्क एलिमेंट जिसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हो, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, देख वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेटवर्क एलिमेंट इज शोन हियर। ये देखिए ये जो है आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है स्लाइड में, है उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है? तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो अवयव है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार की होती है वो कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए सबसे पहले कैसे चेक करेंगे इसको मैं स्टेप्स में समझा रहा हूँ। स्टेप वन सबसे पहले करेंगे हम इसको लीनियर और नॉन लीनियर के को की पहचान करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि जो एलिमेंट है ये लीनियर या नॉन लीनियर है। कैसे करेंगे? देखिए लीनियर के जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन में रहती है, तो यहाँ देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। उसके साथ ही साथ इसको जो है ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये लीनियर एलिमेंट कहलाता है, और अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तो देखिए अपने पास जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ये लीनियर एलिमेंट है, ठीक है? ये नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो पहला तरीका हो गया अपने पास इसको आइडेंटिफाई करने का, इसको वेरीफाई कर रहे हैं ये लीनियर एलिमेंट है।
सेकंड स्टेप में हम इसको पहचान करेंगे इसकी एक्टिव है या पैसिव एलिमेंट है। देखिए एक्टिव एलिमेंट मींस जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सोर्स होता है, और पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। पैसिव एलिमेंट में क्या आ गया, रेजिस्टर आ गया, इंडक्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, या एलिमेंट जिसका इम्पीडेंस होता है। अब यहाँ देखिए आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रही है इसकी, एक तो आ रही है पहले क्वाड्रेंट में और एक आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए अगर पॉजिटिव आई लेते हैं तो उसके अक्रॉस पॉजिटिव वी आ रहा है, ठीक है, तो वी अपॉन आई का जो रेशियो निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इम्पीडेंस होगा, अगर जनरल टर्म में बात करें तो इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब अगला इसका दूसरा पोर्शन आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जिधर आई भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है ना, तो यहाँ अगेन हम आई अपॉन वी का जो रेशियो लेंगे वो क्या होगा, अगेन पॉजिटिव। इट मीन्स उसका जो इम्पीडेंस है पॉजिटिव आ रहा। इट मीन्स ये जो अवयव है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्ट्रेट लाइन में दे रखी है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसका हर बिंदु पर इम्पीडेंस पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये मैंने इसमें स्टेप टू में एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए वेरीफाई द एलिमेंट इज एक्टिव एंड पैसिव, तो हम क्या करें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं जो कि पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में भी वी अपॉन आई पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी वी अपॉन आई पॉजिटिव होगा, तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव इम्पीडेंस शो कर रहा है। इट मीन्स जो है ये जो एलिमेंट है ये पैसिव एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हम अगले तरीके से इसको देखते हैं कि ये बायलेटरल है या यूनिलेटरल है, ठीक है। तो बायलेटरल और यूनिलेटरल की पहचान कैसे करेंगे, देखिए आप जहाँ अगर आई पॉजिटिव ले रहे हैं तो वहाँ वी पॉजिटिव आ रहा है, आई और वी दोनों पॉजिटिव आ रहा है इसके, और जब हम आई नेगेटिव ले रहे हैं तो उसी के अलोंग उधर उसके वी की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, नंबर एक। नंबर दो, जितना पॉजिटिव आई लेते हैं उसके अलोंग जितना वी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम आई नेगेटिव भी उतना ही लेते हैं तो उसके अलोंग वी भी चेक करते हैं, तो वी भी उतना ही नेगेटिव आ रहा है जितना वी पॉजिटिव आ रहा है। न्यूमेरिकली वैल्यू जो लेंगे अपन, पॉजिटिव आई के लिए वी वैल्यू चेक करेंगे, नेगेटिव आई के लिए नेगेटिव वी वैल्यू चेक करेंगे, अगर दोनों सेम आ रही है तो वो जो है बाइलेटरल एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए इस कर्व में, इस ग्राफ में जो हम देखते हैं, इसमें जो पॉइंट लेते हैं, अगर हम लेंगे पॉजिटिव आई और वी पॉइंट ले रहे हैं तो उसके सिमिलर माइनस आई और माइनस वी भी सेम वैल्यू पे मिलता है। इट मीन्स जो ये एलिमेंट है ये बाइलेटरल एलिमेंट है। तो ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, ये जिस एलिमेंट की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ये किस प्रकार का एलिमेंट हो गया, लीनियर एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है और बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं ऐसा ही। ये देखिए ये एग्जांपल टू, ये लेते हैं हम एक एलिमेंट है जिसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दी गई है। ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ठीक है, जो बीच में जो है लाइन है और दोनों साइड में जो फ्लैट हो जाती है, मीन्स अलोंग करंट एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का अवयव है। मान लीजिए एक अवयव है जिसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से है, तो हमको ये बताना है कि किस प्रकार का एलिमेंट है, ठीक है। अगेन पिछली न्यूमेरिकल की तरह ही इसको भी करेंगे, फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखिए यहाँ ये जो एलिमेंट है इसकी स्ट्रेट लाइन है कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए पॉइंट देखिए माइनस थ्री माइनस वी से लेके प्लस फाइव एम्पियर और प्लस फाइव वोल्ट, इसके बीच में ये जो है स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके बाद उसके आगे जो है ये लीनियर रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए पाँच एम्पियर पॉजिटिव के बाद में क्या हो जाता है, ये अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। इसी प्रकार से ये माइनस तीन एम्पियर के बाद ये करंट एक्सिस के पैरेलल चल रहा है नेगेटिव साइड में। इट मीन्स इसकी जो है
लीनियरिटी यहाँ ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो जैसे ये लीनियरिटी ब्रेक हो गया हो जाती है तो हम इसको कहेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट। तो जो एलिमेंट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से होती है वो हो गया आपका नॉन लीनियर एलिमेंट। अब चेक करते हैं, चलो एक्टिव है या पैसिव है। देखिए प्रत्येक पॉजिटिव आई के लिए इसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी पॉइंट देखिए, पहले क्वाड्रेंट में भी है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। तो जो है पहले क्वाड्रेंट में मींस आई और वी का जो रेशियो लेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ भी आई अपॉन जो वी और आई का रेशियो लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आई पॉजिटिव, वी और आई का रेशियो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में वी और आई का रेशियो पॉजिटिव, इट मीन्स इसका जो इम्पीडेंस है वो पॉजिटिव है। तो ये जो है पैसिव एलिमेंट हो, क्योंकि यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का पोर्शन, पहले और थर्ड में है, इसलिए ये हमेशा पैसिव एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं हम इसको यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है चेक करते हैं। देखिए किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 एम्पियर के कोरिस्पोंडिंग पॉइंट आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 5 एम्पियर करंट के लिए हम वोल्टेज की वैल्यू देखें तो आ ही नहीं रही है। इस प्रकार की नेचर का पॉइंट कहाँ आ रहा है, -3 एम्पियर पे, जहाँ इसकी वैल्यू आ रही -3 वोल्ट है ना। तो ये 5 एम्पियर अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करके 5 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं तो 5 वोल्ट नहीं आता है, वोल्टेज जो है हमेशा 3 वोल्ट ही रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है करंट की डायरेक्शन चेंज करने के साथ। इस प्रकार के अवयव जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है करंट की डायरेक्शन के साथ, या बिहेवियर यहाँ चेंज हो जाता है, तो उस प्रकार के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो अवयव है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दी गई है ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारे पास नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया, और उसके साथ ही साथ ये यूनिलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम अगर हमें किसी एलिमेंट अवयव की जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार का एलिमेंट है, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। इस प्रकार से हम जो है अवयवों को क्लासिफाई करते हैं। तो आज हमने बेसिक चीज़ पढ़ी, एलिमेंट्स किसको कहते हैं या पैरामीटर्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट किनसे बनता है, अवयवों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया है, और उसके पश्चात अगर किसी अवयव की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हो तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम उस अवयव को बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का एलिमेंट है। थैंक यू।